दोस्तों LHB कोचेस के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, पर आप में से बहुत कम लोग होंगे जो हाइब्रिड कोचेस के बारे में जानते होंगे, हाइब्रिड LHB कोचेस के बारे में जानते होंगे। हालांकि इस टॉपिक में मैंने पहले ही वीडियो बनाया था, पर आज इस वीडियो में कुछ नई बातें शेयर करने वाला हूं। इंडियन रेलवेज को LHB कोचेस बहुत अच्छे लगे, जाहिर सी बात है सेफ्टी वाइज स्पीड वाइज ये कोचेस बहुत अच्छे होते हैं, पर जो इनको बनाने की जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल ICF कोचेस से। तो इंडियन रेलवे ने सोचा कि कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए जिससे कम पैसों में LHB कोचेस बन के तैयार हो जाएं, और RDSO की हेल्प से एक नए आइडिया का जन्म हुआ, वो है हाइब्रिड LHB का। हाइब्रिड का मतलब होता है एक नया प्रोडक्ट जो दो अलग अलग प्रोडक्ट को एक साथ जोड़ करके बना हो। हाइब्रिड LHB कोचेस में जो ऊपर का हिस्सा होता है वो तो नॉर्मल LHB से लिया गया है, और जो बोगीज होती हैं ये नीचे वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं वो ICF से लिया गया है, और दोनों को मिलाकर तैयार हो गया हाइब्रिड LHB कोचेस। जो हमारे प्योर LHB कोचेस होते हैं उनमें फियाट टाइप बोगीज लगी होती है, पर हाइब्रिड LHB में जो बोगीज होती हैं वो ICF कोचेस से ली गई होती हैं। हालांकि जो हाइब्रिड LHB कोचेस हैं उनकी जो बोगीज होती है उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है, जैसे यार डैम्पर लगाया जाता है जिससे जो राइड होती है वो थोड़ी सी स्मूथ बन जाती है। पर जिस कारण से हाइब्रिड LHB को बनाया गया था वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ICF वाली बोगीज होने के कारण जो इसकी स्पीड है वो 110 और मैक्सिमम 120 पे रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। आप यहां देख सकते हैं कि एक हाइब्रिड LHB कोच है जिसकी MPS है वो 120 किलोमीटर पर आवर की है, और यहां पे एक और हाइब्रिड LHB आप देख सकते हैं जिसकी जो MPS है यानी कि मैक्स परमिसेबल स्पीड है वो 110 की है। तो स्पीड के मामले में जो हाइब्रिड LHB कोचेस होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, थोड़ा सेफर है पर उतने भी नहीं जितने प्योर LHB कोचेस होते हैं। हाइब्रिड LHB कोचेस हमारे कुछ सुपर फास्ट ट्रेन्स और दुरंतो जैसी ट्रेन्स में लगाए जाते हैं। कुछ दुरंतो सी ट्रेन्स में हाइब्रिड LHB ट्रेन्स की मैक्स स्पीड 120 पे ही रेस्ट्रिक्ट रहती है, और थोड़ा अजीब बात है ये, क्योंकि एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो सिकंदराबाद दुरंतो जो है जिसकी हाइब्रिड LHB रेक्स है वो बस 120 की स्पीड में चलती है, और बाकी उसी रूट पे जो कुछ ट्रेन्स होती हैं सुपर फास्ट ट्रेन्स होती हैं वो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती हैं। तो सच में अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो जो हाइब्रिड LHB कोचेस थे वो रेलवेज की तरफ से एक फेलियर था, और वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो रेलवेज ने भी ये मान लिया है कि भाई प्योर तो प्योर होता है, और हाइब्रिड LHB को जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर दिया गया है, और अब धीरे धीरे जो हाइब्रिड LHB रेक्स हैं रेलवे से गायब हो जाएंगे। खैर अच्छा हुआ अब रेलवे प्योर LHB रेक्स की तरफ काम कर रही है जो बड़ी आसानी से 160 की रफ्तार में चल सकती है। बाकी अगर कुछ और मॉडिफिकेशंस कर दें तो यही LHB रेक्स 200 की रफ्तार में भी चल सकती हैं। खैर इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी अगर हाइब्रिड LHB कोचेस को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप बताएं। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।